इसके लिए आपको आना है एक लिंक पर, इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ। यहाँ पर आप जैसे आ जाएंगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारा मेनू मिलेगा। अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो एक महिला होना चाहिए और उनका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि अगर उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग LPG कनेक्शन है तो यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट की बात करें तो KYC उनको कंप्लीट कराना होगा, आधार कार्ड उनको देना होगा जो कि आपका ID और एड्रेस प्रूफ होगा। कुछ कुछ स्टेट में आपको रेशन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट नंबर यानी कि बैंक पासबुक का जेरोक्स देना है। इसके बाद आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहां पर देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन लिखा है, आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आ जाएगा तीन कंपनी का नेम, इंडियन गैस है, भारत गैस है और HP गैस है। आपकी नियर बाय में कौन सा गैस है आप यहां पर सर्च करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास इंडियन गैस है तो मैं यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करूंगा। आपके पास जो भी कंपनी का गैस एजेंसी है यहाँ पर आप साइट में ही क्लिक हियर टू अप्लाई की एक लिंक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तीनों में जो भी आप अप्लाई करेंगे वो लगभग सेम होता है प्रोसेस अप्लाई करने का। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन कंपनी में आप किस तरीके से गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्री वाला। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, नीचे देखिए रजिस्टर नाउ का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डालेंगे, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। I am not a robot पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है, न्यू पासवर्ड, और उसी पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। पासवर्ड आपका कैसे होना चाहिए यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया है। इसके बाद सबमिट, यहाँ पर सक्सेस आ चुका है। इसके बाद प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अभी आप जो मोबाइल नंबर डाले थे उसको डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अभी आपने जो पासवर्ड सेट किया था उसको डाल के यहाँ पर I am not a robot पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इसका जो मेन पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर का ओवरव्यू आ जाएगा, यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि हमको गैस के लिए यानी कि LPG के लिए अप्लाई करना है तो LPG का यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे LPG के लिंक में। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा है वी कुड नॉट फाइंड एनी एग्जिस्टिंग LPG कनेक्शन, अप्लाई फॉर ए न्यू कनेक्शन। मतलब कि हमने जो डिटेल्स डाला हुआ है उसमें से कोई भी LPG कनेक्शन ऑलरेडी नहीं है बोल रहा है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग LPG है तो यहाँ पर लिंक भी कर सकते हैं लिंक नाउ पर क्लिक करके। लेकिन जैसे कि हमको अप्लाई करना है नया वाला तो यहाँ पर हम सबमिट KYC पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, OTP को आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपके सामने शो कर देगा। तो बाकी का डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करने के लिए मेरिटल स्टेटस में आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट में आ जाएंगे, एड्रेस टाइप में क्लिक करके आपका एरिया रूरल है या फिर अर्बन है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे और आपका सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अगर आपके सामने आपका सब डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है तो यहाँ पर आप टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका विलेज को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर का ये यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर क्लिक करके आपके नियर बाय में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो लिस्ट में दिया गया है अगर आपके नियर बाय में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो यहाँ पर आप मैप पर क्लिक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। स्कीम टाइप में यहाँ पर क्लिक करके जनरल स्कीम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्कीम में क्लिक करके जनरल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपको कितना KG का LPG कनेक्शन चाहिए। जैसे कि हमको 14 KG का चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स डालना होगा, आपका डिटेल्स जैसे कि आपका फादर नेम क्या है, फादर को सेलेक्ट करके नाम डालेंगे, फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद अपने मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम।
इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सेक्शन होगा कैश ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ पर आपको येस और नो दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज टू गिव अप योर सब्सिडी बाय सेलेक्टिंग येस रेडियो ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पर अगर आप येस करेंगे तो आपको सब्सिडी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको सब्सिडी का पैसा मिल जाएगा। तो अगर आप नो करेंगे तो आपका आधार नंबर तो आ जाएगा, इसके बाद आपको आधार कार्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, जिसका साइज 512 KB के अंदर होना चाहिए और उस फाइल का एक्सटेंशन PNG, JPG, GIF, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड के साथ जो भी NPCI में लिंकेज है, जो भी बैंक अकाउंट नंबर, उसमें ही आपका सब्सिडी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आके बैंक डिटेल्स में आपका FSC कोड और यहाँ पर नाम डालेंगे कि बैंक अकाउंट में बैंक पासबुक में कौन सा स्पेलिंग के साथ नाम है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर और कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आधार नंबर वाला सही था, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। लेकिन याद रखिए NPCI में जो भी बैंक लिंक होगा उसी में ही आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा रेशन कार्ड का सेक्शन, यहाँ पर अपना स्टेट का नाम चूज़ करेंगे और रेशन कार्ड का नंबर डालेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उड़ीसा स्टेट के लिए। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो वो भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू में। आपके सामने समरी आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा और नीचे डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट। एक बार आपका सबमिट हो जाएगा तो आपका इंडियन गैस में जो भी आपका नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनकी तरफ से कॉल आएगा, या फिर आपको वहाँ पर भी जाके जल्दी कराने के लिए उनसे आप मीट कर सकते हैं। एक बार आपका हो जाएगा तो आपको फ्री में जितना भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। सो इस तरह से अगर आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का फ़ायदा उठाना है तो ये प्रोसेस से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम में अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हमको तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।